फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये कैटरपिलर है, जिसे इंग्लिश में कैटरपिलर बोलते हैं। अब हिंदी में इसे भुआ पिल्लू हमारे यहाँ बोलते हैं। अब आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है। ये देखिए, ये है भुआ पिल्लू, ये भी है भुआ पिल्लू। अब आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं आपके यहाँ। अब इससे यदि आप लोग परेशान हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, तो इसको फ्री में आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसे हम किस प्रकार से मार देंगे। इसे अगर आप किसी वस्तु से या पत्थर उत्थर से मारिएगा, तो इसका रुआ जो है, ये रुआ छीट कर आपके शरीर में लगकर वो जहाँ जहाँ पर स्किन आपका मुलायम होगा, वहाँ वहाँ आपको नोचनी हो जाएगा। नोचते नोचते वहाँ पर फूल जाएगा, उस जगह में दाना 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 फूल जाएगा, जिसे आप केरोसिन ऑयल से आप लगाकर उसको थोड़ा सा रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन इसको हम चप्पल से भी नहीं मारेंगे और ये पत्थर से भी नहीं मारेंगे। इसे हम एक सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, ये तुरंत मर जाएगा फ्री में। आप लोगों के घर में, हर एक घर में डिटर्जेंट पाउडर होता है, वो डिटर्जेंट पाउडर को घोल बना लीजिएगा। घोल बनाने के बाद उसे हम मात्रा बता देते हैं, कितना मात्रा में वो घोल बना कर हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले एक मग पानी ले लीजिएगा, उसमें ये डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो, एक एक चम्मच, दो चम्मच दे दीजिएगा। एक मग पानी में दो चम्मच आप डिटर्जेंट पाउडर को दे दीजिएगा। देने के बाद इसे आप घोल लीजिएगा। ये देखिए, घोल लिया हूँ। अब आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं भुआ पिल्लू के पास। अब देखिए, ये भुआ पिल्लू को इसके ऊपर मैं ये घोल दे दूँगा। देखिए, इस टाइप से दीजिए कि इसका पूरा रुआ भीग जाए। अब देखिए, ये जखल तो जाती है, दो से तीन मिनट के अंदर में ये मर जाएगा घुरा सुना। ये देखिए, पूरा मर गया। अब देखिए, ये दोनों को देखिए, ये दोनों के ऊपर भी नहीं मैं घोल दे दूँगा। ये देखिए, अब दो से तीन मिनट का, अभी बेसी देर भी नहीं चल पाएगा, ये तुरंत मर जाएगा। देख लिए, दोनों मर गया। तो ये आप फ्री में निजात पा सकते हैं इससे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पूरा प्रैक्टिकल करके ही बनाता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ भी है, देखिए हम पूरा परेशान हो गए थे। अब देखिए, यहाँ भी है, डिटर्जेंट का घोल देने से क्या होता है कि इन लोग का, आप इस प्रकार से दीजिएगा कि पूरा इसका रुआ भींज जाए। पूरा रुआ भींज का भींजना चाहिए, तभी ये मरेगा। अब पूरा रुआ जैसे नहीं भींजेगा तो ये नहीं मरेगा। देखिए, यहाँ भी है, हम तो पूरा परेशान हो गए हैं ये भुआ पिल्लू से। और मैं खोजता हूँ, देखिए यहाँ बहुत सारा है।
उसके बाद आपको अगर ये घोल पूरा बच जाए देने के बाद, तो आप इसे एक बोतल में ऐसे डालकर रख लीजिए। उसके बाद ये बोतल को ढक्कन में एक छेद कर लीजिएगा, यहाँ छेद करके लगा दीजिएगा। जब भी आपको फिर जब दिखाई पड़े ऐसे हिला लीजिएगा बोतल को, और छेद से ही ऐसे डाल दीजिएगा, इससे आपको भुआ पिल्लू से निदान पा सकिएगा। अन्यथा ये बहुत डेंजर कीड़ा होता है, जो कि शरीर में थोड़ा सा भी रुआ लगेगा तो पूरा नोचना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक मार दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो में नया नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आप ही को मिलेगा अगर बेल आइकन दबाइएगा तो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।